हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई अन्यायपूर्ण घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। ऐसे में भाजपा सांसद ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश में दलित मतदाताओं की नाराजगी को स्वीकार किया। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, उससे प्रदेशवासियों का विश्वास उन पर बढ़ा है। भाजपा सांसद ने कहा कि योगी सरकार में अपराधी ठोके गए हैं, मुख्यमंत्री SIT से हर पहलू की जांच कराएं ताकि सच सामने आ सके। हाथरस की जो घटना हुई है, उस बेटी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, तो उसमें पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा था और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती थी। प्रशासन की गलती की वजह से ऐसा हुआ, ये मैंने पहले भी कहा था कि प्रशासन गलत है और हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की। वहाँ के SP और DSP और इंस्पेक्टर और दो पुलिसकर्मियों को, 5 लोगों को निलंबित किया है। बाराबंकी से भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने हाथरस की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्वीकार किया कि हाथरस के जिलाधिकारी से गलती हुई है। पंजाब केसरी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।